जो लोग 2023 में बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देने वाले हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे पेपर देने के पहले, पेपर देने के बाद, हालांकि आना शुरू भी हो गए होंगे। जैसे एग्जामिनर कैसे हमारी कॉपी चेक करता होगा, कोई सोचता होगा कि कोई भी एग्जामिनर किस बेस पर नंबर देते होंगे, और कोई सोचता होगा कि मैंने अगर कुछ भी नहीं लिखा कॉपी में या कुछ भी नहीं लिखूँगा तो क्या हम पास भी होंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर कॉपी में ऐसी क्या तीन चीज़ें देखकर नंबर देता है। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। एक बात हम सभी को पता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं पेपर बहुत अच्छा देते हैं, उनका पेपर जो है बहुत अच्छा जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका पेपर मीडियम लेवल में जाता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते होंगे जिनका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है, और ये नॉर्मल सी बात है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। इसलिए चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझिए कि एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखता है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी बोर्ड आपको फेल करने के लिए तभी मजबूर होगा जब आप कॉपी खाली छोड़ कर आओगे, और अगर आप क्वेश्चंस का आंसर उल्टा लिख कर आओगे तो एग्ज़ामिनर आपको नंबर देगा ही नहीं, वो डायरेक्टली आपका नंबर कट कर देगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे, थोड़ा भी उसे रिलेट करके आंसर लिखा होगा आपने, तो आप एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। अब बात आती है वो तीन चीज़ों की जो सारे एग्जामिनर सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में देखते हैं। सबसे पहली चीज़, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ये हर एक एग्जामिनर हर एक स्टूडेंट्स की कॉपी में नोटिस करता है कि बच्चे ने अपनी कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट किया है, उसकी कॉपी का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, उसके क्वेश्चंस का आंसर लिखने का तरीका क्या है। इसलिए अगर आपने अपनी कॉपी में आंसर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेगा। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, आप थोड़ा दूर दूर लिखो, साफ़ सुथरा लिखो, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से आपको नंबर दे सके। अगर वही आपकी हैंडराइटिंग भी ख़राब है, दूसरा आप उसमें घिस पीस करके लिखोगे, तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपका नंबर काट देगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब होगा। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, क्वेश्चंस का आंसर कैसा लिखा है और कितना लिखा है। जो एग्ज़ामिनर हर एक स्टूडेंट्स की कॉपी में देखता है कि बच्चे ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है और कितना लॉन्ग लिखा है, कितना शॉर्ट लिखा है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है और उसका आंसर आपने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है, तो आपको 4 में से 4 तो नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर आपने आंसर्स लिखते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखोगे और मेन पॉइंट्स को हेडलाइन के थ्रू समझाओगे आंसर को अपने, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए, कोई भी एग्जामिनर ये देखता है कि आपने कॉपी को कैसे रखा है और कैसे उसके आंसर्स को कितना लिखा है। हम सभी जानते हैं ये बात कि एग्ज़ामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर को केवल आपकी कॉपी तो नहीं चेक करनी होती है, उसे केवल एक स्टूडेंट्स की कॉपी तो नहीं चेक करनी होती, उसे बहुत सारी लाखों बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी होती है। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में अपने कॉपी के 3 से 4 पेज को अच्छे से रिप्रेजेंट किए रहोगे, तो ऐसे कंडीशन में ना अच्छे मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। अब बात आती है तीसरी चीज़ की, जो लास्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया गया है। एग्ज़ामिनर ये चीज़ ज़रूर नोटिस करता है कि बच्चे ने अपने पेपर में कितने क्वेश्चंस के आंसर को अटैम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चंस के आंसर को अटैम्प्ट नहीं किया है। एग्ज़ामिनर हर एक स्टूडेंट्स की कॉपी में ये चीज़ ज़रूर देखेगा, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चंस को मत छोड़ना, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। जिस क्वेश्चंस के आंसर्स ना आए, उस क्वेश्चंस के आंसर को उसके अकॉर्डिंग उसे रिलेट करके लिखो, अपने माइंड सेटअप करके लिखो, बट लिखो, क्योंकि कुछ लिखोगे तो कुछ नंबर मिलेगा, छोड़ना मत। क्योंकि एग्जामिनर ये नोटिस करेगा ना कि हाँ, इस बच्चे ने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देने का ट्राई तो किया है, इसलिए वो आपको नंबर देगा। इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।